सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कर्मों के परिणाम किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छा मिले। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। आज का पंचांग 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:33 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 2:54 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 4:20 से 5:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। आप सभी को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीन राशि 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार, बातचीत आज का मंत्र है और आज अवसरों की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। अपने विचारों को साझा करें और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़े। लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना फायदेमंद होगा। आप आज जो भी करते हैं वो आपके कल को सुधार सकता है। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ आप सामाजिक गतिविधियों में भी उचित समय निकाल लेंगे और आपका वर्चस्व मान सम्मान भी बना रहेगा। पिछले कुछ समय से अपने भावी लक्ष्य के प्रति की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। जो जिम्मेदारी आपकी है उसे निभाने की कोशिश करें, लोगों पर निर्भर न रहें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न तुरंत फल नहीं देंगे, इस कारण नकारात्मकता बढ़ सकती है। आपको अपनी बातें सुलझाने का, आपको अपनी बातें सुधारने का एक और मौका मिलेगा। काम नए तरीके से करना आपके लिए संभव होगा, इस कारण लोगों के सामने आप एक मिसाल कायम कर पाएंगे। पुराने रिलेशनशिप के बारे में विचार छोड़कर नए रिलेशनशिप पर ध्यान दें। सावधानियां, दिन की शुरुआत में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभालनी सी परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभालने भी जरूरी है। निवेश संबंधित गतिविधियों पर जल्दबाजी न करें, बिन मांगे दूसरों को सलाह देना और हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित बनाए रखने में अपना सहयोग अवश्य दें। मांगलिक कार्य संबंधित योजना बनेगी। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहें। आज नए लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें। इससे न केवल आप आनंदित महसूस करेंगे बल्कि इसके साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अपने रिश्ते में उत्साह को कभी भी कम न होने दें। रिश्ता अगर बोरिंग हो गया है तो कुछ इसमें जान लाने के लिए कुछ नया करें ताकि यह रोमांचक बने। बात करते हैं करियर की। दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में सोचें, महसूस करें और लोगों से बातचीत करें। समान विचारों वाले लोगों के साथ मिलने जुलने से अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी यह समय शुभ है। जीतने की तैयारी ही इंसान को सफल बनाती है। कारोबार से संबंधित कुछ नई योजनाएं बनेगी, लेकिन बनते कामों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। तनाव ना लें, आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे। इस समय बाहरी संपर्कों से बिजनेस मिलने की संभावना है। नौकरी में किसी क्लाइंट की वजह से मुश्किल आ सकती है। रिश्तेदारों से मिलेंगे, आपको खुशी मिलेगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। नई शुरुआत से व्यवसायियों को लाभ हो सकता है। भाग्य आपके पक्ष में है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और आग से बचाव करें। अगर हो सके तो रात में वाहन न चलाएं, आप व्यर्थ खर्चे से बच सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना
विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहने की जरूरत है। कंधे में जकड़न भी आपकी हो सकती है, इसका पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सुत कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में समृद्धि व खुशहाली आती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।